भाई एक्साइटमेंट तो मेरी शक्ल पे नज़र आ रही है। फाइनली पिक्चर रिलीज़ होती है, ओटीटी होती है, साल डेढ़ साल की मेहनत होती है, तो फाइनली व्हेन द बिग डे कम्स इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड या एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटेड द ट्रेलर। आई एम श्योर सबको सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। वेल एज एन एक्टर आप जिस शो में या सीरीज़ में या फिल्म में काम करते हो तो आप पूरी मेहनत से करते हो, तो एक्साइटमेंट हर शो या फिल्म के लिए होता है। दिस इज़ स्पेशल ऑल्सो। इट्स गॉट अ ग्रेट कास्ट, टू एक्सेलेंट डायरेक्टर्स इन बिजॉय एंड करिश्मा। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड द क्रिएटर इज़ श्री राम हूज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड देन इज़ कमिंग ऑन धर्मैटिक्स सो and a great cast, so we couldn't have asked for anything better. बहुत अच्छी बात है कि केसेस पूरे इंडिया में बहुत कम हो गए हैं और फाइनली थिएटर्स फिर से खुल गए हैं। सबके लिए अच्छा है, ऑडियंस के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, सो इट्स पॉजिटिव साइंस है। इस फेम गेम इस सीरीज़ में हमने गाना किया है और बड़ा अमेजिंग गाना है बिकॉज माधुरी दीक्षित उस पर नाची है, उस पर उसको परफॉर्म किया उस पर। तो बहुत साल पहले हमने आ जाना चली की थी और उसमें भी माधुरी दीक्षित जी थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मौका मिला है वापस एक बार। और फिर एक बार हमने कोशिश की एक बहुत धमाकेदार गाना बनाने की और मुझे पूरा यकीन है दैट लोग इसको पसंद करें। नर्वस कमाल कर रहे हो तुम। म्यूज़िक में कोई नर्वस होता है क्या? मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मुझे फ़ोन आया कि माधुरी दीक्षित जी फिर एक बार आ रही है, इस बार एक सीरीज़ में, और हमें एक धड़कता हुआ गाना चाहिए, आ जाना चले से भी बेहतर। तो मैं बोला चलो कोशिश करते, बनाए, मज़े लिए, एंजॉय कर। फेम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना कि अपने काम की साधना और अपने काम के प्रति अपना डेडिकेशन। वो कहते हैं ना कि जब आप लक्ष्य सरस्वती को फॉलो करते हो तो लक्ष्मी आपको आप फॉलो हो जाती है। तो बस वही है, अपने काम से आप अगर आप ईमानदारी रखोगे तो फेम गेम सब कुछ हो जाएगा। सबकी मैं जब फिल्म देखता हूँ या कोई ओटीटी कोई सीरीज़ देखता हूँ तो मैं कहानी के तौर पे देखता हूँ। कैरेक्टर्स तो एक किरदार निभा रहे हैं पर कहानी हमेशा अव्वल होती है। इसके अलावा हम बहुत सारे गाने हर हफ्ते एक नया गाना निकाल रहे हैं हमारे रिकॉर्ड लेबल पे। हमारा खुद का रिकॉर्ड लेबल है जिसका नाम है मर्चेंट रिकॉर्ड्स। ये लेबल को हमने कोविड के वक्त इसकी शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी मर्चेंट रिकॉर्ड्स की, और हम हर हफ्ते एक नया कमाल का गाना रिलीज़ कर रहे हैं। हम महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत अच्छा कमाल का गाना हमने रिलीज़ किया है। पवन दीप राजन जो इंडियन आइडल थे 2021 में, उनके साथ, उसका नाम है जय हो भोले गाने का नाम।